अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं यार? आज हम ना दरिया सतलुज पे हैं। जैसा कि आपको पता है कि वो ज़्यादा पानी आ गया और जहाँ लोगों के आबादी थी वो भी घर डूब गए हैं, लोग ज़्यादा डूब गए हैं। यहाँ पे ये जो रेस्क्यू टीम है वो लोगों को भी बचा रहे हैं। हम आपको सारा दरिया का सीन दिखाते हैं, पहले हम इधर आते हैं। यार ये देखें, बहुत ज़्यादा पानी तेज़ आ रहा है, बहुत स्पीड से आ रहा है और यहाँ पे एक बोट आ रही है, वो लोगों को बचा के ला रहे हैं। वहाँ पे भी एक बोट थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दरियाए सतलुज पूरे इसमें इंडिया में पानी छोड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा स्पीड से पानी जा रहा है और बहुत ज़्यादा लोगों की, आप जितना भी आपको एरिया नज़र आ रहा था हद्दे निगाह यहाँ पे पानी ही पानी है और लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं, घर डूब गए हैं और बहुत तबाही हो गई है। ये सामने रेस्क्यू टीम लगी हुई है कश्तियों में, तो यहाँ से लोगों को सेव कर रहे हैं, बचा के लेके आ रहे हैं, उनका माल मवेशी है। यहाँ पे रेस्क्यू टीम ये आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे सबको इन्होंने लाइफ जैकेट पहना के और उनको लेके आए हैं। ये सारे लोग हैं जिनको सेव कर रहे हैं, बचा रहे हैं इनको। और पानी क्योंकि बहुत तेज़ है रवानी, उसमें कश्ती पर चलना बहुत मुश्किल हो गया है, ये आप देख रहे हैं सामने। यार ये चेक करें, यहाँ पर ये बोट रुकी है और ये देखिए लहरें चेक करें पीछे, ये यहाँ पे लोगों को इन्होंने बचाया है। सबको जैकेट पहना के लाते हैं, जैकेट जो भी गिर जाए गलती से वो डूबे ना। और यहाँ पे उतारे हैं लोगों को, इनके बेचारे घर घर डूब गए थे। वो जो बोट है वो दोबारा से जा रही है। यार ये बहुत गहरा दरिया है, इसमें जो गिर गया उसने बचना नहीं है, इसलिए इन सारे लोगों को जैकेट्स पहना के लाए हैं ताकि ये डूबे ना गिर जाए। यहाँ पे ये लोग बैठे हैं अपनी बाइक्स पे और ये जा रहे हैं, कुछ पैदल जा रहे हैं। तो ये देखें आप, यहाँ पे पानी बहुत तेज़ है और उसके बाद ये एक सामने बेड़ा नज़र आ रहा है, वो सामने वो वाला ये बेड़ा, इसमें से माल मवेशी लेके आ रहे हैं, लोगों का सामान है। वहाँ से कश्ती बहुत दूर से चली है, बड़ी वाली है, इसमें बेड़ा लेके आएंगे, इस पर पाकिस्तानी झंडा भी लहरा रहा है। तो लेकिन आप ये पानी का फ्लो इतना तेज़ है कि कश्ती का चलना बहुत मुश्किल हो गया है। और ये मैं जब हम यहाँ पर आए हैं तकरीबन 2 घंटे से ये कश्ती आ रही है, लेकिन अभी यहाँ पे इसने यहाँ पे पहुँचना है तो अभी तो बहुत टाइम है। ये सामने रेस्क्यू का कैंप लगा हुआ है, यहाँ पे लोग जो आते हैं उनको पानी पिलाते हैं, खाना वगैरह, लोग यहाँ पे खाना वगैरह ले जा रहे हैं, फूड ले जा रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत दिनों से भूखे हैं और यहाँ पे आके खाना वगैरह खाएँगे और उसके बाद इनको यहाँ पर कैंपों पर शिफ्ट कर देंगे। ये सामने आप देखें, ये पहली पेड़ा आता है तो हम आपको मजीद दिखाते हैं। तो लोगों की सारी फसलें तबाह हो गई हैं, घर तबाह हो गए हैं, सामान बह गए हैं, मवेशी बह गए हैं, तो बड़ी मुश्किल से जानी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। तो ये हर दफ़ा हर साल होता है तो इस तरह लोग तबाह हो जाते हैं इस मामले में। दरिया का किनारा है और यहाँ पे इतना पानी थोड़ा कम है, यहाँ पे कश्ती आ के रुक गई है, तो लोग यहाँ पे जोर बता के रस्से से खींच रहे हैं। तो ये देखें, ये इंडिया हमारा हर साल यही आता है, तो यहाँ पे
चढ़ाने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर लोग कर नहीं सकते क्योंकि बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, औरतें भी हैं और मवेशी भी साथ हैं। बल्कि बच्चा बेचारा नीचे गिर गया, बच्चा बंदा नीचे की तरफ जा रहा है। यहाँ पे नहीं उतर सके लोग क्योंकि यहाँ पे किनारा ज़्यादा था, पानी बहुत ज़्यादा है, तो इन्होंने बेड़े को आगे ले भी जाना शुरू कर दिया। ये वहाँ पे सामने जाके उतरेंगे, वो आप सामने देख सकते हैं वहाँ पे जहाँ पर पहले बेड़े आए वहीं से जाके इनको उतारेंगे। इनका बड़ा इंजन ऑन कर दिया, तो ये पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से बहुत आहिस्ता चल रही है। आप देख सकते हैं बहुत आहिस्ता जा रही है, बहुत ज़ोर से दबा के दो तीन मुझे बच्चे चला। हाँ वो तो उधर से तो अभी सारा सामान निकाले, बस भैंसे रह गई हैं। हमने कहा बहुत ज़्यादा लेट हो जाना है, हम घर को जाना चाहिए हमें। तो अभी इंडिया भी 30 तारीख तक और भी पानी छोड़ेगा, अभी तो कोई पता नहीं कब ये दरिया नीचे को होगा। दोस्तों लोग जो आए हैं वो सारा अपना उनका घर बार हर चीज़ बह गया पानी में, और जो ये चीज़ें हैं वो इस बेड़े में आ रही हैं। कहते हैं ये अभी एक घर का सामान है, बाकी क्योंकि गवर्नमेंट इतना पहुँचा ही नहीं पा रही। तो सामने भी एक बेड़ा है, मैं आपको दिखाऊं कैमरे के आंखें अगर आपको देख सकती है, ये वाला ये अभी आ रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं उस साइड पे सारी फसलें वगैरह हर चीज़ तबाह हो गई। ये आपको सामने भी जो नज़र आ रहा है, ये सामने ये जो है दरख्त हैं, ये सारे फसल के खेत हैं। यहाँ पे सामने गन्ने का खेत है और यहाँ पे मकई है, और ये सारे क्योंकि पानी यहाँ पे 40-50 फुट गहरा है, तो ये हर चीज़ यहाँ पे तबाह बर्बाद हो गई है। पहले पानी बता रहे थे यहाँ तक था, लेकिन अब वो कम होता यहाँ पे हो गया, लेकिन कह रहे हैं कि आज से फिर से पानी छोड़ देना। तो ये अल्लाह पाक आफात से, कुदरती आफात से हमको बचाए, महफूज रखे अल्लाह हमसे। यार वो बेड़ा तो ना भी बहुत ज़्यादा लेट आएगा, हमने सोचा हम घर जाते हैं। ये हमारी आज की वीडियो थी, और आप भी अल्लाह से दुआ किया करें कि हमें अल्लाह अपने अज़ाब से बचाए, क्योंकि ये लोग बेचारे जो इनके घर जो डूब गए हैं ये बहुत परेशान हैं। इनके लिए भी आप इन्हें दुआ करनी है कि जल्दी से पानी कम हो जाए और ये बेचारे वापस अपने घर जाएं। आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वो सामने मोहम्मद आ गया बेटा है ना, वो सामने पहुंच गया।